Hi student, welcome to Arshia Yajuhab online classes, class 12th biology, chapter 25, excretory system of human. आज हम मानव में उत्सर्जन तंत्र पाठ का टॉपिक है वृक्क नलिकाओं की संरचना. वृक्क नलिकाओं या फिर नेफ्रॉन की संरचना. मानव का जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है. इसकी संख्या वृक्क नलिकाओं की या फिर नेफ्रॉन की जो संख्या है, ये प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख. प्रत्येक जो वृक्क होता है उसके अंदर इसकी संख्या 10 से 12 लाख होती है. वृक्क या नेफ्रॉन एक लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है. बहुत लंबी होती है, पतली रहती है और कुंडलित नलिका होती है, जिसके द्वारा मूत्र का निर्माण या फिर यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है. इस यूरिन के अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं. मेनली यहाँ से हम वृक्क या नेफ्रॉन की संरचना की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबी होती है, कुंडलित रहती है और पतली संरचना होती है, जो वृक्क की या किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई रहती है. प्रत्येक वृक्क के अंदर इसकी संख्या 10 से 12 लाख होती है. दोनों किडनी की बात करें, दोनों वृक्कों की बात करें, तो ये जस्ट यहाँ से डबल हो जाएगी. 20 से 24 लाख के बीच इनकी संख्या पाई जाती है. मुख्य कार्य इसका मूत्र निर्माण का रहता है या यूरिन फॉर्मेशन का रहता है, जिसके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ पाए जाते हैं. अब इसकी संरचना जो होती है उसमें विभिन्न भाग होते हैं या विभिन्न अंग पाए जाते हैं. विभिन्न भागों से मिलकर नेफ्रॉन की संरचना का निर्माण होता है. ये विभिन्न भागों से या इसको विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है. सबसे पहले इसके अंदर आता है मेलपीगी काय. सेकंड ग्रीवा. थर्ड समीपस्थ कुंडलित नलिका. फोर्थ हेनले का लूप. फिफ्थ, पांचवा जो पार्ट है इसका वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका. और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है संग्रह नलिका. यहाँ से अपने पास में नेफ्रॉन जो होता है या वृक्क नलिकाएं जो होती हैं, उनको विभिन्न भागों में या फिर 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे फर्स्ट पार्ट इसका मेलपेगी, सेकंड ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका में इसको बांटा गया है. इन सभी के बारे में हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने पास में आता है मेलपेगी काय. मेलपीगी जो काय होता है, ये नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं जो होती हैं उसका प्रारंभिक भाग होता है. सबसे पहले मेलपीगी काय. मेलपीगी जो काय होती है ये नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग रहता है. नेफ्रॉन या फिर वृक्क जो नलिका होती है उस वृक्क नलिका का प्रारंभिक भाग
प्रारंभिक भाग मैलपिगी काय कहलाता है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग जो इसका होता है वो बोमेन संपुट और दूसरा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है इसको केसिका गुच्छ के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी कि मैलपिगी काय जो होती है वो नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग है जो दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट इसका बोमेन संपुट, सेकंड ग्लोमेरुलस या केसिका गुच्छ होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो प्रारंभिक भाग है नेफ्रॉन का उसकी संरचना को देखेंगे, यहाँ पर किस प्रकार से वो बनी होती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी संरचना है, जिसमें ये वाला जो पार्ट है ये बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट ये वाला जो पार्ट है ये ग्लोमेरुलस। और जस्ट आपको आगे बताएं कि पहला जो पार्ट है विभिन्न चरणों में इसको बांटा गया है। सबसे पहले मैलपिगी काय, दूसरा पार्ट इसका ग्रीवा होता है ग्रीवा, फिर थर्ड जो पार्ट होता है ये आगे चलकर यहाँ से, अभी नॉर्मली इसको आपको बताया जा रहा है यहाँ पर ऐसे, सबसे पहले ये मैलपिगी काय, जस्ट इसके बाद में ग्रीवा, ग्रीवा के बाद में ये समीपस्थ नलिका, ये हेनले का लूप, यहाँ पर ये नलिका जो होती है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये जाकर आगे इसके अंदर मिलती है ये संग्रह नलिका। इसका डायग्राम हम बाद में समझेंगे, लेकिन नॉर्मल द्वे में सबसे पहले अपने को समझना है मैलपिगी काय को। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है कंप्लीट, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है वो मैलपिगी काय होता है, इसके बाद में सेकंड पॉइंट ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका, ये नेफ्रॉन के विभिन्न भाग हैं। लेकिन हमें समझना है सबसे पहले यहाँ पर मैलपिगी काय के बारे में। तो मैलपिगी जो काय होता है वो नेफ्रॉन की सबसे प्रारंभिक भाग होता है, इसका प्रारंभिक पार्ट है जो दो भागों से मिलकर बना है, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। तो प्रारंभिक भाग का बाहर का जो पार्ट है वो तो बोमेन संपुट और अंदर का जो पार्ट है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। समझेंगे सबसे पहले यहाँ पर बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो होता है वो मैलपिगी काय के अंदर प्यालेनुमा संरचना, प्याले नुमा संरचना होती है, जिसको बोमेन संपुट कहा जाता है। इस बोमेन संपुट के अंदर या प्याले नुमा संरचना के अंदर रुधिर केशिका जो होती है, रुधिर केशिका आकर इसमें विभाजित होकर 50 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 50 शाखाओं में विभक्त होकर ये आपस में मिलकर जाल बनाती है या फिर गुच्छा। रुधिर केशिकाएं विभाजित होकर जाल बनाती है या गुच्छा बनाती है, ये जाल या गुच्छा जो होता है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है।
ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, जो कि बोमेन संपुट के अंदर स्थित रहता है। तो इस प्रकार से बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर मेलपिगी गाय का निर्माण करते हैं। बोमेन संपुट जो होता है ये धोरी झिल्ली युक्त होता है, धोरी झिल्ली फर्स्ट और सेकंड, धोरी झिल्ली युक्त होता है, यानी कि इसमें दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, एक होती है बाह्य झिल्ली और दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली। बाह्य जो झिल्ली है ये सल्की उपकला की बनी होती है, सल्की उपकला की बनी होती है। आंतरिक जो झिल्ली है वो विशिष्ट कोशिकाओं की बनी होती है, जिनको पोडोसाइट बोलते हैं, पोडोसाइट। देखें बोमेन संपुट प्याले नुमा संरचना है, जिसके अंदर रुधिर केशिकाएं विभाजित होकर जाल बनाती है। वो जाल गुच्छे का रूप ले लेता है, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस क्या बनेगा अपने पास में, मेलपिगी काय। धोरी झिल्ली युक्त होता है बोमेन संपुट, जिसमें बाह्य जो झिल्ली है वो सल्की उपकला की बनी होती है और आंतरिक जो झिल्ली होती है वो विशिष्ट कोशिकाओं की बनी होती है। इन विशिष्ट कोशिकाओं को पोडोसाइट बोलते हैं। यहां से ये पोडोसाइट प्रवर्ध और रुधिर केशिकाएं जो हैं इनकी भित्ति दोनों की मिलकर ये ग्लोमेरुलस भित्ति का निर्माण करती हैं, या फिर झिल्ली, ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है। ये ग्लोमेरुलस जो झिल्ली होती है इसके अंदर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। असंख्य छिद्रों की उपस्थिति के कारण ये पारगम्य होती है, इसमें पारगम्यता पाई जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर अपना बोमेन संपुट जो होता है वो यहाँ कंप्लीट है। बोमेन संपुट में सिर्फ बोमेन संपुट प्यालेनुमा संरचना है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस स्थित होता है, जो कि किसी का गुच्छ बना है। ग्लोमेरुलस कहलाता है, दोहरी झिल्ली युक्त है, जिसको बाह्य जो झिल्ली है वो सल्की उपकला की बनी होती है, आंतरिक झिल्ली जो है वो पोडोसाइट विशिष्ट कोशिकाओं की बनी होती है, जिनको पोडोसाइट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट, ग्लोमेरुलस या फिर किसी का गुच्छ, इसका निर्माण रुधिर केशिका इनसे बने हुए जाल से होता है। इसके अंदर रुधिर धमनी, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये अपवाही धमनी का वाला, यहाँ से अभिवाही धमनी का, ये इसमें प्रवेश करती है, जिसमें अपवाही धमनी का प्रवेश करती है, ये इधर जाती है और ये बाहर निकल, सॉरी यहाँ से अपवाही धमनी का जो होती है ये बाहर ब्लड को लेके जाती है, और अभिवाही धमनी जो है वो ब्लड को इसके अंदर लाती है। नेफ्रोन या इसका प्रारंभिक जो सिरा है, बोमेन संपुट या किसी का गुच्छ, इसके अंदर रुधिर वाहिनी, रुधिर लाने के लिए धमनी का होती है, जो शरीर से रुधिर को इसके अंदर लेकर आती है, उसको बोलते हैं अभिवाही धमनी का। और इसके अंदर से रुधिर को बाहर अंगों तक ले जाने का कार्य जो नलिकाएं करती हैं उनको अपवाही धमनिका कहते हैं। अभिवाही धमनिका जो होती है इसका व्यास तुलनात्मक रूप से अपवाही से ज़्यादा होता है,
अपवाही जो धमनी होती है उससे इसका व्यास ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर पाए जाने वाली जो किसी का गुच्छ होता है उसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं जो कि 500 से 1000 एंगस्ट्रॉन के होते हैं। लास्ट में इसके अंदर निस्यंद स्तर का निर्माण होता है। निस्यंद स्तर का निर्माण होता है जिससे रुधिर में से नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो छनकर नीचे की ओर आ जाते हैं। निस्यंद स्तर का जो निर्माण होता है वो इसके अंदर रुधिर केशिकाओं की एपिथीलियम और इसके अंदर बोमेन संपुट इसकी एंडोथीलियम ये दोनों मिलकर निस्यंद स्तर का निर्माण करती हैं और यहाँ से इस निस्यंद स्तर के माध्यम से रुधिर में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से मेलपिगी काय और उसके बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर ग्रीवा। ग्रीवा वाला जो पार्ट है वो मेलपिगी काय के आगे की ओर स्थित होता है। ये अभिवाही धमनी का अपवाही देख यहाँ से आगे बोमेन संपुट या फिर मेलपिगी जो काय है उससे आगे की ओर छोटी सी नलिका का तरह का भाग होता है। ये वाला पार्ट ये नलिका रूपी भाग जो है ये ग्रीवा कहलाता है जो कि रोमाभि उपकला का बना होता है। इसकी जो भित्ति होती है वो रोमाभि उपकला की बनी होती है। इसके आगे थर्ड जो पॉइंट है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इनको बोलते हैं। यहाँ से पी, यहाँ से सी और यहाँ से टी, पी सी टी इसके नाम से इसको जाना जाता है। प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स या फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका पी सी टी ग्रीवा के आगे की पार्ट जो नलिका रूपी संरचना है ये और यहाँ तक का जो पार्ट है वो समीपस्थ नलिका है या फिर इसको पीसीटी के नाम से जाना जाता है जो कि आगे की ओर हेलने के लूप हेलने का जो लूप होता है उसमें जाकर खुलती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर अपन यहाँ इसको पढ़ते हैं इसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं माइक्रोविलाई ये इसमें उपस्थित होते हैं। माइक्रोविलाई जो होते हैं ये आपस में मिलकर ब्रूस बोर्डर का निर्माण करते हैं। ब्रूस बोर्डर जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसके अंदर भी पढ़ा है
कि माइक्रोविलाई जो होती हैं वो मिलकर ब्रूस बोर्डर का निर्माण करती हैं। ब्रूस बोर्डर जो होता है ये अवशोषण अवशोषण की सतह और इसकी दर को बढ़ा देता है। इसके अंदर सक्रिय अवशोषण की क्रिया होती है, सक्रिय अवशोषण की क्रिया होती है। सक्रिय अवशोषण के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता तो इसमें होती है। ये ऊर्जा की जो पूर्ति होगी सक्रिय अवशोषण के लिए, मतलब यहाँ पर बोमेन संपुट जो होता है इसके अंदर रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ और उसके साथ आवश्यक पदार्थों के साथ यानी कि नाइट्रोजनी पदार्थ और कुछ आवश्यक पदार्थ छनकर नीचे इसके संपुट में आ जाते हैं और यहाँ से ये जाते हैं समीपस्थ नलिका में। और समीपस्थ नलिका के अंदर ये निस्यन पदार्थ जो आता है, छना हुआ पदार्थ जो इसमें पहुँचता है उसमें आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। तो अवशोषण सक्रिय विधि के द्वारा, यहाँ पर सक्रिय अवशोषण द्वारा होगा और उसमें ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है ये ऊर्जा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इससे प्राप्त होती है, इसका मतलब PCT जो होती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होगी वो बहुत ही अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर टोटल निस्यन जो होता है, छना हुआ पदार्थ जो समीपस्थ नलिका में पहुँचा है उसका 2/3 भाग निस्यंद या छना हुआ भाग पदार्थ का, छने हुए पदार्थ का 2/3 भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ये लगभग होता है 65-80% टोटल जितना भी रुधिर से छना हुआ भाग PCT में पहुंचता है उस कुल का 65-80% भाग वापस PCT या समीपस्थ नलिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और वो क्रिया होती है सक्रिय अवशोषण की और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति इसमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ वो हेलने का लूप, थर्ड जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका PCT वो यहाँ कंप्लीट। अब हेनले का लूप है, ये वाला भाग है जिसमें ये जो भुजा है जो कि नीचे की ओर जा रही है ये इसकी अवरोही भुजा और जो कि ऊपर की ओर इसको आरोही भुजा कहते हैं, यानी कि हेलने का जो लूप होता है इसको दो भुजाओं में बांटा गया है, फर्स्ट अवरोही भुजा और सेकेंड आरोही भुजा। अवरोही भुजा जो होती है इसके अंदर PCT खुलती है, PCT का मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका इसके अंदर आकर खुलती है। आरोही भुजा ये जो होती है ये DCT, अभी आएगा DCT का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये उसके अंदर आकर खुलती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका है जिसको DCT के नाम से जाना जाता है, समीपस्थ कुंडलिका PCT इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर जो अवरोही जो भुजा होती है रोमा भी उपकला से बनी होती है, आरोही भुजा जो होती है ये घनाकार उपकला से बनी होती है। इसके बाद DCT फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर है
BCT यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, इसको बोलते हैं DCT के नाम से जाना जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका है। यहां से इसका जो भित्ति जो होती है उस भित्ति का निर्माण घनाकार उपकला के द्वारा होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इसमें पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रोविलाई इसमें अनुपस्थित होते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर माइक्रोविलाई जो होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण जो कि कुल जल का 19% 19% जल का यहाँ पर अवशोषण होता है। देखेंगे यहाँ DCT, इसमें जल का अवशोषण मुख्य रूप से अवशोषण होता है। ये अवशोषण जो होता है इसका वो ADH या वेसोप्रेसीन इसकी उपस्थिति में होता है। यानी कि जल का जो अवशोषण होता है उसमें दो कारक हैं यहाँ पे, ADH और वेसोप्रेसीन, इनकी उपस्थिति के कारण होता है। ADH जो होता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, ये होता है। अब किसी कारणवश यदि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या ADH हार्मोन जो होता है इसमें कमी हो जाती है, अब सीधा सा इफेक्ट है, इसका कार्य होता है जल का अवशोषण करवाना, इसकी कमी हो गई तो जल के अवशोषण में कमी आएगी। यानी कि अभी यहाँ बात कर रहे हैं अपन, इसके अंदर ये पदार्थ भरा हुआ है, ये DCT है और इसके अंदर नाइट्रोजन पदार्थों के साथ के अंदर जल भरा हुआ है। यानी कि ये जो पदार्थ भरा है ये इसके माध्यम से DCT के द्वारा अवशोषित होगा, इसमें से जल। अब इसके अंदर ADH की मात्रा जो है उसकी कमी हो गई तो जल का अवशोषण जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होने से इसके अंदर जल की जो मात्रा रहनी चाहिए थी इस पदार्थ के अंदर उसका आयतन क्या होगा, यहाँ पे वो आयतन ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि यूरिन जो बना उसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा रह जाती है, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसकी कमी के कारण, तो यहाँ पर एक रोग उत्पन्न होता है जिसको डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। ये जो स्थिति है उसको डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। इम्पोर्टेंट भी है यहाँ से, किसे कहते हैं, जब DCT दूरस्थ कुंडलित नलिका में पाए जाने वाले ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता, जिससे नाइट्रोजनी पदार्थों के अंदर जल की जो मात्रा है वो ज़्यादा रह जाती है। यानी कि उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ने से एक इस स्थिति को या रोग उत्पन्न होता है जिसको डायबिटीज इंसिपिड्स कहा जाता है। लास्ट के अंदर यहाँ से ये DCT जो होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ये खुलती है संग्रह नलिका में, और लास्ट हमारा पॉइंट भी संग्रह नलिका है जिसको हम देखेंगे यहाँ पर।
सिक्स पॉइंट, संग्रह नलिका, ये लास्ट पार्ट होता है जिसके अंदर डीसीटी जाकर खुलती है। संग्रह नलिका में विभिन्न डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं वो जाकर इसमें खुलती है। तो अनेक संग्रह नलिकाएं जो होंगी, अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है जिसको डक्ट्स ऑफ बेलिनी कहा जाता है, क्योंकि बेलिनाई या बेलिनी की वाहिनी कहा जाता है। संग्रह नलिका जो होती है ये पिरामिड्स में उपस्थित होती है। पिरामिड्स ये पार्ट जो होता है ये मेडुला का होता है, मेडुला उसके अंदर ये पाई जाती है। बेलिनाई ये आगे चलकर पेल्विस में खुलती है। पेल्विस जो होता है ये उत्तरवाहिनी का प्रारंभिक भाग होता है और पेल्विस चलकर आगे उत्तरवाहिनी में, और इसके माध्यम से जो यूरिन जो होता है ये आगे चलकर इस तंत्र के माध्यम से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वृक्क नलिका की संरचना है, वो वृक्क नलिका की संरचना के अंदर इसके पार्ट जितने भी हैं उनको हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब यहाँ पर जो पांचों पॉइंट हैं इसके, मेलपिगी काय, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी और संग्रह नलिका, इनमें से मेलपिगी काय, पीसीटी और डीसीटी ये तीनों जो होती हैं ये कोर्टेक्स में स्थित होती है। वलकुट, वृक्क जो होता है उसके वलकुट भाग में स्थित होती है, जो कि हमने उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर थी किडनी की उसके अंदर हमने पढ़ लिया है। और इसके अंदर भी यदि हम देखें तो नीचे की साइड में सिर्फ एक हेनले का लूप गया था और संग्रह नलिकाएं, जो नीचे का जो भाग है जिसमें हेनले का लूप और संग्रह नलिकाएं गई हैं, ये नीचे का यानी कि अंदर का जो पार्ट है वो मेडुला में स्थित होता है, मध्यांश। इसके अलावा जो पार्ट है